सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मस्तक रेखा के ऊपर ही, शनि की रेखा, गुरु की रेखा और मंगल की रेखा में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है या किस तरह की रेखाएँ हो तो व्यक्ति का व्यवहार या चरित्र किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये ऊपर वाली जो रेखा होती है, मतलब बालों के नज़दीक जो रेखा होती है, इसको शनि की रेखा कहते हैं, इसके गुरु की रेखा कहते हैं, उसके नीचे मंगल की रेखा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर शनि की रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए बीच से किसी दूसरी रेखा द्वारा यहाँ पर इस तरह से कटी हो, या इस तरह से कोई रेखा काट के शनि की रेखा को दो भागों में बांट दे रही हो, और साथ में बृहस्पति और मंगल की रेखाएं टूटी फूटी हो, इस प्रकार से कहीं कुछ इस तरह से टूटी फूटी निकल के आए, बृहस्पति और मंगल की रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी और टूटी फूटी बिखरी हुई दिखे, तो ऐसे लोग जो हैं अपनी संपत्ति का नाश कर लेते हैं। यानी कि इनके पास अगर कोई जमा पूंजी होती है तो वो किसी न किसी ऐसे चीज़ में गलती से इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर दूसरे लोगों द्वारा चीट हो जाता है, या फिर कोई भी इनको बरगला के समझा के इनके पैसे को गलत जगह पर खर्च करवा देता है, जिस वजह से इनकी संपत्ति जो है ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार यदि शनि की रेखा इस प्रकार से कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब एक सीधी रेखा में ना हो, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी या इधर उधर टूटी हुई बिखरी हुई दिखे, साथ में बृहस्पति की रेखा तीन खंडों में टूटी हुई इस प्रकार से दिखे, और मंगल की रेखा बहुत छोटी हो, जैसे अगर कहीं पे बीच में फोल्ड आए या फिर साइड में मंगल की रेखा बन रही हो, तो ऐसा मनुष्य जो है अपना खुद का धन बहुत दिनों तक संजो के नहीं रख पाता। ऐसे लोग जो है फिजूल खर्चीले होते हैं, यानी बिना मतलब के खर्च करते रहते हैं, जिस वजह से इनको प्रॉब्लम्स आती है और फाइनेंशियली हमेशा एक डिस्प्यूट में रहते हैं। अगर किसी की ललाट में, फोरहेड में कोई भी रेखा इस प्रकार से टूटी फूटी एक दूसरे को काटती हुई बिखरी हुई इस प्रकार से रेखाएं बनती हों, और किसी भी रेखा का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी शेप नहीं है, बहुत इधर उधर की स्थिति रेखाओं में बनी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट पाता है, प्लस कोई चोट, कोई बड़ी सर्जरी, या इसको अस्त्र प्रचार भी कहते हैं, यानी कि शरीर के ऊपर ऑपरेशन होना, किसी तीखे चीज़ से चोट लगना, यानी शार्प एज से इनको चोट लगती है और शरीर से बहुत ज़्यादा खून भी निकलता है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अच्छा नहीं होता, प्लस इनके विवाह में भी अड़चनें आती हैं, या फिर देखा गया है कि विवाह हो भी जाए तो वो विवाह टिकता नहीं है, यानी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी इनकी नहीं होती है। यदि शनि की रेखा बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रेट इस प्रकार से बनी हो, और साथ में गुरु की रेखा शर्पाकार यानी सांप की तरह से इस प्रकार से अप डाउन करते हुए इस तरह से बनती हो, और मंगल की रेखा भी साफ सुथरी और स्पष्ट दिखे, तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी, धनी, व्यापारी और किसी भी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा धन की अभिलाषा रखने वाले होते हैं, तथा ये अपने काम को पूरा करने के लिए लोगों का शोषण भी करते हैं। यानी धन को कमाने के लिए शाम दाम दंड भेद हर तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यदि शनि एवं मंगल की रेखा बिल्कुल सीधी हो, जैसे शनि की रेखा यहाँ पर स्ट्रेट बन रही हो और मंगल की रेखा भी बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बन रही हो, और इन दोनों के बीच में बृहस्पति की रेखा हल्की टेढ़ी मेढ़ी हो या थोड़ा सा इस प्रकार से कर्व लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली, महाबली और बहुत सारा धन संपदा वाला होता है। यानी ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, प्लस ऐसे लोग परोपकारी भी होते हैं, अपने द्वारा संचित किए गए धन को किसी न किसी परोपकार के कार्य में, या फिर किसी न किसी समाज को सहायता देने के कार्य में खर्च करते हैं।
जैसा कि आपके सामने ये मस्तक की जो तीन रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, प्लस यहाँ पर चंद्र और सूर्य की रेखाएं बहुत साफ दिखाई दे रही हैं, यानी जिन लोगों का मस्तक ये वाला पोर्शन काफ़ी चौड़ा और बड़ा हो और साथ में ये तीन रेखाएं यानी शनि की रेखा, गुरु की रेखा और मंगल की रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और साथ में सूर्य चंद्र भी अच्छे से दिखाई दे, यानी सूर्य की रेखा राइट साइड के भौं के ऊपर और लेफ्ट साइड के भौं के ऊपर चंद्र की रेखा भी साफ रूप से एकदम स्पष्ट दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति जो है सीधे स्वभाव वाला, सभी का प्यारा और बहुत ज़्यादा नीतिपरायण होता है, यानी कि अपने सिद्धांतों पे चलने वाला होता है जिसमें वो दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली भी होते हैं एवं ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे इनका ऐश्वर्य और कीर्ति हमेशा बढ़ता रहता है। ये जहाँ जाते हैं हमेशा प्रशंसा के पात्र होते हैं। ऐसे लोग महात्मा जनों की सेवा करते हैं, उनके उपासक होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, पुत्रवान होते हैं और विद्याधारी होते हैं, यानी कि कई तरह के विद्याओं को जानने वाले होते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके मस्तक में यानी फॉरहेड में इस तरह की रेखाएं बनती है या नहीं। अगर बनती हैं तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।